भारतीय उद्योग जगत के रत्न यानी रतन टाटा का दुखद निधन तो हो गया, लेकिन कई सारे सवाल अपने पीछे छोड़ गया है। वजह यह है कि न सिर्फ उद्योग जगत के लिए वो एक रतन थे, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़े आइकन थे। बीते कुछ समय से रतन टाटा अपनी खराब सेहत की वजह से जूझ रहे थे, इसी के लिए उन्हें रेगुलर अपना चेकअप भी कराना पड़ता है और सोमवार को भी वो मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपना रेगुलर टेस्ट कराने गए थे। लेकिन अचानक देर रात उनकी ज्यादा तबीयत खराब हुई और बताया जाता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। ऐसे में दुनिया भर के लिए, देश भर के लिए आइकन माने जाने वाला एक ऐसा सितारा जो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहा था, अचानक से अस्त हो गया, लेकिन कई लोगों के लिए वो आज भी प्रेरणा बने हुए हैं। मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है, तो आधी जिंदगी मैं उनको जानता था। और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूँगा तो हंसी मजाक होगा। और एक एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी, वो बहुत यूनिक थी। एक चीज़ है कि वो एक सफल बिजनेसमैन थे, ये सभी लोग जानते हैं। उनकी फिलोसफी के बारे में भी आज बहुत किस्से मशहूर है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे कैसे थे वो? एक पर्सनल टच जो उनका लोगों के प्रति होता था, अपना स्टाफ, अपने दोस्त या अपने जानने। आप मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर वो कहीं बाहर जाते तो ये नहीं कोई स्टाफ अलग टेबल पर खा रहा है और कोई और अलग टेबल पर खा रहे हैं, सब एक साथ खाते थे, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्यार से रहते थे। और सबकी देखभाल जो उनने, देखिए मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर इंसान एनिमल्स अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूँ जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें, पर इंसानियत ये होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है वो इंसानियत है। सर, बिजनेसमैन तो बहुत सक्सेसफुल थे, उन्होंने मनी फोल्ड बढ़ाया जो पूरा रेवेन्यू था अपने ग्रुप का, लेकिन इंसान के तौर पे बहुत सफल है। आपने बताया हमेशा हमने बिजनेस के ऊपर देश को तरजीह दी, अगर बिजनेस में फायदा हो रहा है और देश के नुकसान में तो उसको छोड़ देते। मैं आपको एक बात बोलूँ, मैंने ये लिखा भी हुआ है, 2008 में मैंने लिखा था। मैं नरेंद्र मोदी जी के घर था गांधीनगर में, तो उन्होंने मुझे पूछा कल कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बम्बई। तो उन्होंने कहा जब रतन टाटा को अगर मिलोगे तो मिस्टर टाटा को बोलना कि नैनो यहाँ ले आए। तो मैंने ये मैसेज कम्युनिकेट की उसके बाद, और ये नरेंद्र मोदी की भी, यू नो, यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट, उसके बाद पूरा वो जो सनद एरिया था वो ऑटो हब बन गया। पर क्यों मिस्टर टाटा ने नैनो क्यों शुरू की? नैनो इसलिए शुरू की क्योंकि एक दिन जब वो ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक परिवार एक स्कूटर पर भीग रहा है, तो उन्होंने कहा हम लोग 1 लाख की गाड़ी क्यों नहीं बना सकते, और वही हुआ। पर मैं अब ये बोलना नहीं चाहता, कॉम्पिटिशन ने एक बहुत ही भयानक रोल प्ले किया था, उसके बारे में ये अभी समय नहीं है बोलने का। एयर इंडिया जब वापस आया 2022 में, उनके मन में जो खुशी थी, क्योंकि आप याद रखिए उन्होंने जितना एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया है और एयरलाइंस को वो इतनी अच्छी तरह जानते और कोई नहीं जानता। उन्होंने चेयरमैनशिप से रिटायर होने के बाद जब फुल टाइम वो नहीं काम कर पा रहे, तो उनकी जो इसमें इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ भी लगाए वो सारे बहुत अच्छी तरीके से, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो क्योंकि रतन टाटा भारत और भारतीय में विश्वास करते थे। जब जब मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया
किया उसके कई साल पहले रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया, और रतन टाटा जानते थे कि जहां वो इन्वेस्ट करेंगे उन लोगों की बिजनेसेस में और लोग इन्वेस्ट करेंगे, इसी भरोसे पे कि रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया, तो उन्हें प्रोत्साहन किया, उन्हें इनकरेजमेंट दी, ये कोई नहीं करता। उनकी मतलब कई सारे ऐसे छोटे किस्से हैं जो मशहूर हैं कि जब उन्होंने एक छोटे ह्यूमैनिटेरियन टच के लिए कुछ बहुत बड़ा एक स्टेप लिया हो, जैसे अभी आप हमें बता रहे थे कि उन्होंने किंग चार्ल्स का एक नोटा ठुकरा दिया था, क्योंकि तो किंग चार्ल्स ने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स थे बकिंगम पैलेस में, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना उन्होंने देना था, तो मैं 3-4 दिन पहले लंदन पहुंच गया तो टाटा साहब का मुझे मिस कॉल आई, तो जब मैं एयरक्राफ्ट से निकला मैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा देखो मैं बकिंगम पैलेस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं टीटो बीमार है, टीटो उनका जर्मन शेफर्ड। मैंने कहा मींस ही सेज नहीं, तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला, उन्होंने कहा देखो ये है इंसान जो हर आदमी हर कुत्ते हर पशु के बारे में सोचता है, ये इंसानियत है। सर आप उनके काफ़ी करीब थे, उनके हर पहलू से आप वाकिफ थे, अच्छे बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल पायलट, अच्छे इंसान, एक अच्छे कंपनी के लीडर, आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया उनको याद करे रतन टाटा को, पद्म भूषण रतन टाटा, बिजनेसमैन रतन टाटा, ये किस तरीके से? भारत का रतन, बस वो यही चाहते थे कि लोग उन्हें प्यार से विनम्रता से और मोह से याद करें। उन्हें कोई अवार्ड ऑनर जो थी कोई अवार्ड ऑनर ऐसी नहीं है जो उन्हें नहीं मिली, वो भारत के रत्न हैं, भारत के रत्न रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि रतन टाटा शायद स्वर्ग चले गए हैं, ही हैज़ लेफ्ट, अब दुनिया में नहीं रहे पर हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी संस्कृति में वो ज़रूर रहेंगे। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जो पूरे कंट्रीमैन में काफ़ी लोग ये मांग करते रहे हैं कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, एक बिजनेसमैन जिसने फिलंथ्रोपी को एक नई हाइट दी, एक देश पर। मैंने तो ट्वीट भी किया है कि मैंने, और उसमें मैंने मोदी जी को टैग किया कि भाई मेरे हिसाब से और कोई आदमी इस दुनिया में नहीं है, हमारे देश में नहीं है जिसे भारत रत्न और डिजर्विंग होना चाहिए। हाँ सर, ऐसे मौके पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को याद आती हैं और वो भावुक कर जाती हैं, आप भी अभी सबसे पहले हमारे साथ बात करते हुए भावुक हो रहे थे, कुछ ऐसा एक पर्सनल टच जो आप उनसे शेयर कर पाए जो रतन टाटा और आपके बीच रही हुई अब तक? वो मैं शेयर नहीं करूँगा, पर मैं सिर्फ यही करूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे लिए वो पिता समान थे, दोस्त थे, और उससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ इस समय पे जो चोट सिर्फ मुझे नहीं, ये गलत बात है कि सिर्फ मैं भावुक हूँ, आप देखिए, आप लोगों से पूछिए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, और ये रतन टाटा का बड़प्पन है। सर टाटा ग्रुप का बिजनेस और टाटा ग्रुप के जो फिलैंथ्रोपी प्रोजेक्ट है उनका फ्यूचर आप यहाँ से किस तरीके से देखें? बहुत बढ़िया, क्योंकि चंद्रशेखरन जी जो चेयरमैन हैं और नोएल टाटा और मेली मिस्त्री जो टाटा ट्रस्ट में हैं, वो देखेंगे कि जो लेगेसी टाटा हाउस की है, हाउस ऑफ टाटा की है, वो क्यामत रहे।